Students, this is your math book, and in today class we will do the exercise 11.2 of this book. This chapter related to meter and centimeter. मीटर और सेंटीमीटर से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड ही हम एडिशन करेंगे. तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये कॉलम में अरेंज है और हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर का पार्ट सेंटीमीटर में होगा और मीटर का पार्ट मीटर में होगा. ठीक है, अरेंज करना है. डिजिट के नीचे जब आप प्लस करते हैं तो डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए. जो भी इससे प्लस करके आएगा इसी के नीचे होना चाहिए. ये नहीं कि आपने इधर लिख दिया और इसका इधर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो नाउ स्टार्ट. यहाँ 29 मीटर 17 सेंटीमीटर को 17 मीटर और 6 सेंटीमीटर से प्लस करना है. 7 प्लस 6 कितने होते हैं, काउंट योर फिंगर. 7 तो है ही है, आगे का 6 काउंट करिए फिंगर में. जैसे 7 है आपने यहाँ पे 7 देख लिया और फिंगर में काउंट कर लो 6. 1 2 3 4 5 6 6 हो गया यहाँ पे. तो आपने इसके आगे 7 के आगे से काउंटिंग करनी है. 8 9 10 11 12 13 13 हो गया यहाँ पे. 13 का 3 आ जाएगा. करना सेम ही है जैसे आप एडिशन करते थे और जो कैरी आया वो आगे यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा आपका. ठीक है, अब यहाँ पे 1 से 0 को प्लस करेंगे कितना आया, सेम डिजिट मिल जाएगी 1. और जो ये कैरी आया था उसको 1 के साथ 1 को प्लस करिए, हो जाएगा 2. ठीक है, अब हम मीटर को सॉल्व करेंगे. 9 प्लस 7 कितने होते हैं, काउंट करिए अपनी फिगर को. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 9 तो काउंट ही हो रखा है. 9 के आगे काउंटिंग रीड करेंगे. 10 11 12 13 14 15 16 हो गया. 16 का 6 आएगा यहाँ पर और 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड किया जाएगा. 2 के साथ 1 प्लस कीजिए. यस, 2 प्लस 1 3 हो गया और 3 में 1 प्लस करेंगे 4. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है आपका 7 प्लस 5. 7 को 5 से प्लस करिए कितना हो गया, 5 जो है 5 आपकी फिंगर है. 7 के आगे कर लो. 8 9 10 11 12 हो गया. 12 का 2 आ जाएगा और 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड कर देंगे आगे. अब 2 को 4 से प्लस कीजिए. यस, 2 में 4 प्लस किया कितना आया, 6. 6 में 1 प्लस करेंगे जो कैरी आया है, 7 हो गया. अब 3 को 9 से 6 से प्लस करना है आपने. तो 3 प्लस 6 कितने होते हैं, 3. 6 फिंगर काउंट कर लीजिए अपनी. 1 2 3 4 5 6. 3 के आगे काउंटिंग करेंगे, यहां तक 6 आ रहा है. तो 4 5 6 7 8 9 9 हो गया. और 1 को 2 से प्लस करेंगे तो ये तो इजी है, 3 हो गया. 0 से 9 को प्लस करिए. यस, 9 आएगा. 2 को 3 से करेंगे 5. ठीक है, 9 को 8 से प्लस करेंगे. 9 प्लस 8 कितना होता है, यस, 9 प्लस 8 17 हो गया आपका. 17 का 7 आएगा, 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं. 3 प्लस 1 4. 4 में 1 प्लस करिए 5. अब 9 को 3 से प्लस करेंगे. 9 प्लस 3 कितना होता है, यस, 9 प्लस 3 12. 12 का 2 आ गया और 1 कैरी के लिए गया आगे. और 0 से 1 को प्लस किया 1 और 1 और 1 2 हो गया. 3 प्लस 7 कितने होते हैं, 3 प्लस 7 10 होते हैं. 10 का 0 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड किया और 4 में 0 को प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा और ये 1 कैरी प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा. 0 को 9 से प्लस करिए. 0 प्लस 9 9 हो गया. 7 को 1 से करेंगे तो 8. ठीक है, 3 प्लस 5 3 को 5 से प्लस करिए कितना होता है, यस, 5 फिंगर काउंट करो अपने. 4 5 6 7 8 8 आ गया. 0 को 1 से प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा. 7 को 0 से प्लस करेंगे तो 7. और 5 प्लस 6 कितने होते हैं, 5 में आपने 6 को प्लस करना है, करिए. यस, 6 7 8 9 10 11 11 आया तो 11 का 1 आ जाएगा. 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड. तो देखिए अब क्या है कि यहाँ पे जो कैरी आएगा तो वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, उसकी तरफ जाएगा. ठीक है, प्रोसेस सेम है. 0 से 7 को प्लस करेंगे तो कितना है,
7 आएगा और ये 1 8 हो गया, और 4 + 3 = 7। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि जब ये यहां से जा रहा है कैरी तो मीटर की तरफ जा रहा है तो वो मीटर बनेगा, ठीक है। दोनों को एक साथ नहीं करना है, आपको अलग अलग करना है जब अरेंज भी करेंगे तो आंसर में क्या होगा, ये 78 मीटर होगा आंसर इसका और 17 सेंटीमीटर होगा। 0 को 8 से प्लस करेंगे, यस 0 + 8। 9 को 2 से प्लस किया 11, 11 आया तो 11 का 1 यहां आएगा और ये 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड होगा। 9 + 1 = 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, और फिर अगेन कैरी के लिए फॉरवर्ड हो रहा है, 1 से 0 को किया 1 आएगा और ये 1 कैरी प्लस हुआ 2। सेवन प्लस फाइव 12 का 2 कैरी 1 करेंगे, 2 + 8 = 10, 10 में 1 प्लस किया 11 आया, 11 का 1 अगेन। 9 + 8 = 17, 17 में 1 प्लस करो 18 का 8 1 कैरी किया, 1 से 1 को प्लस करेंगे 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको अच्छे से करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करना है, ओके, थैंक यू।